साथियों, आज भारत ही नहीं दुनिया भर के सामने एक और बड़ी चुनौती है, आतंकवाद। आपने दो दिन पहले ही देखा कि किस तरह ईस्टर के पवित्र दिन हमारे पड़ोस में श्रीलंका में आतंकवादियों ने किस तरह चर्च और दूसरी प्रमुख जगहों पर बम धमाके किए। जो दिन भगवान यीशु के संदेश की याद दिलाता है, जो दिन मानवता की सेवा का प्रतीक है, उस दिन आतंकियों ने सैकड़ों लोगों को जो भगवान यीशु की प्रार्थना में लगे हुए थे उनको उनकी जान ले ली। 2014 से पहले भारत भी तो इसी स्थिति से गुजरता था। पाकिस्तान आतंकी भेजता था, आतंकी यहां पर हमले करते थे और जो कांग्रेस की सरकार थी वो रोना शुरू कर देती थी, रोते हुए डर डर करके। क्या डर डर करके आतंकवाद का मुकाबला हो सकता है? क्या डर डर करके आतंकवाद से लड़ा जा सकता है? क्या साथियों, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब यही आपके चौकीदार की सरकार ने किया है। हमने घर में घुसकर आतंकियों को मारा है, आतंक के सरपरस्तों को साफ कर दिया है। आज हर आतंकी के मन में ये डर है कि अगर उसने कोई गलती की तो ये मोदी है, उसे पाताल से भी खोजकर ठिकाने लगाएगा। भारत के खिलाफ किए गए हर गुनाह की सजा उसको पानी पड़ेगी।